सो हेलो एवरीवन तो आज हम लोगों का रहने वाला लेक्चर नंबर फाइव ऑफ जी के पी वाई क्यू पार्ट थ्री और वीक का आज हम लोग का पहला लेक्चर रहने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आई होप सभी लोगों ने जो पिछले वीक का जो टेस्ट है जो आप लोगों के जिन लोगों ने ऐप में नोट्स के लिए सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा है उन्होंने दे दिया होगा एंड रिविजन वगैरह आप लोगों ने कर लिया होगा तभी आप जो है आगे बढ़ रहे हैं बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके पहले के रिवाइज़ या फिर अच्छे से नहीं हुए हैं तब तक आप आगे ना बढ़िए ठीक है और जो लोग एकदम से मतलब लेक्चर नंबर फाइव से ही स्टार्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी ऐसे ही लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये ना करें लेक्चर वन से ही स्टार्ट करें लेक्चर वन देन टू थ्री ऑर्डर में ही चलें ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हु हैड सियालकोट कोट एज इज़ कैपिटल सियालकोट किसकी राजधानी थी मियांडर डेम्ट्रस यूक्रेटेड्स या फिर पुष्यमित्र तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट मियांडर मियांडर के बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इसको हम मिलिंद नाम से जानते हैं ये मिलिंद और ये फिर मियांडर है कौन ये मियांडर एक्चुअल में ग्रीक है एक्चुअली में जब मौर्याज यहाँ से नॉर्दर्न इंडिया से क्या हुआ था जब मौर्याज वीक पड़ने लगे या फिर डिमिनिश होने लगे तो यहाँ से अटैक्स हुए थे काफ़ी सारे ठीक है यहाँ पर अटैक्स हुए थे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इंडो ग्रीक्स के हुए थे ठीक है ग्रीक्स के अटैक हुए थे देन आपके स्काइथियंस यानी शाकास जिनको हम बोलते हैं उनके अटैक हुए थे देन आपके कुशांस के अटैक हुए थे तो ये सब जो है अटैक कहाँ से हुए थे यहीं से जो कि हम बोल सकते हैं सेंट्रल एशिया से और उनमें से एक जो सबसे पावरफुल ग्रीक रूलर था दैट वॉज मी इसको या फिर मिलिंद इसको लेके एक किताब है जिसको कि मैंने आपको पहले ही बताया था दैट वॉज मिलिंद पनो मिलिंद पनहो किताब में क्या है इसमें मिलिंद और जो नागसेन एक बुद्धिस्ट मॉन्क है उसके बीच में एक डिस्कॉर्स यानी कि डिस्कशन है जहाँ पे मिलिंद जो है नागसेन से क्वेश्चन पूछते हुए नजर आ रहे हैं और नागसेन उनका आंसर कर रहे हैं और इतने अच्छे से उन्होंने आंसर किया कि मिलिंद ने बुद्धिज़्म को अपना लिया पुष्य मित्र की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ये वाला जो हमारा रीजन है यहाँ पे हमारे 16 महाजनपद निकल के आते हैं 16 महाजनपद इनमें से हमने देखा था सबसे पावरफुल कौन था सबसे पावरफुल मगध था मगध की कैपिटल क्या थी मगध की कैपिटल पहले राजगिरी थी देन आपकी बाद में हो गई पाटलिपुत्र किसने शिफ्ट करी थी उड़ाइन ने शिफ्ट करी थी उडाइन था कौन तो मगध में सबसे पहले डायनेस्टी आती है हरियनका डायनेस्टी हमने हम ये चीज़ देख चुके हैं हरनका डायनेस्टी में भिम्बी सारा फाउंडर था अजा शत्रु था धन उडाइन था उसके बाद हमने देखा हरियका डायनेस्टी के बाद शिशु नगा डायनेस्टी आती है ठीक है शिशु नगा डायनेस्टी आएगी इसके बाद आती है नंद डायनेस्टी जहाँ पे महापद्मानंद नंद वंश की स्थापना करते हैं यहाँ पे, और लास्ट लोग थे धनानंद जिनको हरा के चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करते हैं और लास्ट रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के बृहदरथ और बृहद को हराता है पुष्यमित्र सुंग और पुष्यमित्र मित्र सुंग जो है सुंग डायनेस्टी की जो स्टैब्लिशमेंट करता है तो पुष्यमित्र मित्र सुंग कौन हुआ आप समझिए यानी कि जो मॉर लास्ट मॉडर्न रूलर था बृहद उसको हरा के सुंग वंश की स्थापना इसने करी थी क्लियर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड बिफोर द लॉन्च ऑफ विच फाइव ईयर प्लान डिड इंडिया इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज किस पंचवर्षीय योजना के शुभारंभ से पहले भारत ने संरचनात्मक समायोजन नीतियां पेश की नाउ ये स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज होती क्या हैं ये होती हैं कि आप कुछ स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हो अपने इकोनॉमी में और इसका सबसे बड़ा जो हिंट है वो है 1991 1991 में हमने क्या किया था हम एलपीजी सिलेंडर्स लेके आए थे नहीं एलपीजी हमने रिफॉर्म्स लाए थे जहाँ पे एल का मतलब है लिबरलाइजेशन ठीक है लिबरलाइजेशन जिसका मतलब होता है हिंदी में उदारीकरण प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण जिसको हम इन दी वो सकते हैं ठीक है ग्लोबलाइजेशन तो ये रिफॉर्म्स हम लेके आए क्यों लिबरलाइजेशन का मतलब होता है आप अपनी इकोनॉमी को खोल दीजिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने दीजिए प्राइवेटाइजेशन का मतलब है कि आपके कंट्री में जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी खेलने दीजिए इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस मत बना दीजिए क्योंकि लाइसेंस राज चलता था पहले ठीक है लाइसेंस राज जिसके तहत अगर आपको कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ भी सेटअप करना है तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा गवर्नमेंट से और लाइसेंस ऐसे नहीं मिलता था उसमें बहुत भी करप्शन घुसा हुआ था तो प्राइवेटाइज करिए ग्लोबलाइज मतलब बाहरी वर्ल्ड से भी कनेक्ट करिए अपने एक्स, अपने एक्सपोर्ट बढ़ाइए उनको ठीक है यानी कि जो आप माल जो आप प्रोड्यूस करते हैं उसको बाहर देशों में भी सेल करिए तो ये किसने बोला था हमें करने के लिए ये आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला था जो कि एक संस्था है जो कि एक तरह से पाकिस्तान जैसे गरीब देशों को लोन देती है अक्सर हमने एक बार सिर्फ इसके पास हमें हेल्प कर ली थी दैट वाज 1991 जब हमारे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा था तो उसकी कुछ कंडीशन होते हैं लोन के और वो ये कंडीशन थे एल तो इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज ठीक है तो नाइनटीन नाइन्टी वन याद रखिएगा क्योंकि कई सारी चीज़ें हुई थी तो अगर आपको पता है कि 1991 में क्या हुआ था तो आप काफ़ी सही गेस लगा सकते हैं क्वेश्चन में जैसे 1991 को हम ईयर ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड भी बोल देते हैं एक ईयर ऑफ इकोनॉमिक डिवाइड क्योंकि इसके बाद जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे हमारे इस टाइम में अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट किसकी थी पीवी वी नरसिम्हा राव और पीवी नरसिम्हा राव और इसको जो इम्प्लीमेंट करने का ज़्यादातर क्रेडिट जो जाता है वो हमारे उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में तो मनमोहन सिंह जी को जाता है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी जो है बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गई थी इन रिफॉर्म्स के बाद तो एक्चुअल में अगर हम देखें तो नाइनटीन नाइन्टी, अगर मैं सेवनथ फाइव ईयर प्लान की बात करूं तो ये 1985 से लेके 1985 से लेके 1990 तक था राजीव गांधी के टाइम पे 1991 और 1992 नाइन्टी टू यहाँ पर लिख देता हूँ उसमें कुछ ज़्यादा ही हो गया 1991 और 1992 में कोई फाइव ईयर प्लान नहीं आता है यहाँ पे एनुअल प्लान्स आते हैं क्या आते हैं एनुअल प्लान याद है आपको क्या कि थर्ड फाइव ईयर प्लान के बाद हमने प्लान हॉलीडेज़ लिया था थर्ड फाइव ईयर प्लान के बाद और उसके बाद फिर थर्ड फाइव ईयर प्लान के बाद नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक फोर्थ फाइव ईयर प्लान चला था सेवनटी से लेके सेवेंटी एट तक फिफ्थ फाइव ईयर प्लान चला था और फिफ्थ फाइव ईयर प्लान के बाद हमें पता है दो साल कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे रोलिंग प्लान आ गया था ठीक है रोलिंग प्लान रोलिंग प्लान का मतलब ये होता है कि कि हम हर ईयर के एंड में डिसाइड करेंगे कि हमने कितना प्रोग्रेस किया है, ना कि पांच साल बाद जाके हम डिसाइड करेंगे और उसी तरह आठवीं पंचवर्षीय योजना चालू होती पी वी नरसिम्हा गए प्राइम मिनिस्टर थे ये तो आंसर क्या होगा ये पूछ रहा है कि बिफोर दी लॉन्च ऑफ विच फाइव ईयर प्लान इंडिया ने ये इंट्रोड्यूस किया एलपी जी रिफॉर्म सिंपल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स तो एट फाइव ईयर प्लान के पहले इंट्रोड्यूस किया ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा बाकी आप रिकॉल करिए पहला दूसरा तीसरा चौथा सब में हमने क्या पढ़े थे क्वेश्चन नंबर थर्ड विच किंग ऑफ पंजाब साइंड अ ट्राई अट्राइपा ट्रीटी विद सूजा एंड द इंग्लिश कंपनी तो हुआ क्या यह था हमारा इंडिया ठीक है ये फिर हम बोल सकते हैं पूरा ही इंडिया ऐसा करके कोई तो एंटिटी थी नहीं तो ऐसे समझ लो ये मैं यहां पर ले लेता हूं ठीक है यहां पर रूल कर रहे थे महाराजा रंजीत सिंह ये मान लेते हैं इंडस रिवर है यहां पर पूरा आपको पता है ब्रिटिशर्स का रूल था ये था अफगानिस्तान अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में बैठा हुआ था यहां का शासक एक तरह से बोल सकते हैं दोस्त मोहम्मद अब ये दोस्त मोहम्मद जो है रशिया वाले जो यहां पे रशिया वाले थे इनसे कांटेक्ट बढ़ा रहा था और ब्रिटिशर ये चाहते नहीं थे क्यों क्योंकि उनको ये था कि अगर रशिया वाले अफगानिस्तान तक आ गए तो बिल्कुल इंडिया को भी अप्रोच करेंगे इसको भी कॉन्कर करने की कोशिश करेंगे तो इन्होंने सोचा कि दोस्त मोहम्मद को न्यूट्रलाइज़ करते हैं पहले इसको कुछ ऑफर दिए लेकिन मानने को तैयार नहीं हुआ और जब मानने को या फिर दोस्त मोहम्मद ने रिटर्न में इनसे कुछ बोला जो ब्रिटिशर्स को मंजूर नहीं था तो इन्होंने ब्रिटिशर्स ने सोचा इसको तो निकालना पड़ेगा यहाँ से तो एक बंदा था शाह सूजा जो अफ़गानिस्तान का ही था जिसको दोस्त मोहम्मद हटा के खुद बैठा था थ्रोन पे तो उसको ब्रिटिशर ने संभाल के रखा हुआ था पेंशन पे कि ये किसी ना किसी दिन तो काम आएगा तो सूजा जो है तो अफगानी था जो कि इसको ऑफर दिया महाराजा रंजीत सिंह को ऑफर दिया ब्रिटिशर्स ने रंजीत सिंह को क्या ऑफर दिया कि ये जो है सूजा आपके जो ये सिंध के राइट साइड वाले जो क्लेम्स हैं उनको ये मानेगा कि हाँ वो आपकी टेरिटरी है ठीक है तो ऐसे करके इनको भी लालच दिया और तीनों यानी ब्रिटिशर्स महाराजा रंजीत सिंह और शाह सूजा ने मिल अफग़ानिस्तान पर अटैक किया और उस समय कौन था दो? दोस्त मोहम्मद और उसको हरा भी दिया और इस समय ये पूछता है और यहाँ से होता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर पहला आंग्लो अफगान युद्ध होता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर और ये पूछता है कि इस समय पूछा भी था सीजियल में इसमें पहले हम लोगों ने लेक्चर में किया भी था कि इस समय कौन था वॉइस रॉय तो अगर हम बात करें कौन था ये था आपका सॉरी वॉइस रॉय तो नहीं बोलेंगे बिकॉज वॉइस रॉय एटीन के बाद आता है कौन था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो ये था ऑकलैंड ठीक है ये ऑकलैंड था और फर्स्ट एंग्लो और ये जो ट्रीटी की अगर बात करें ट्राइपार्टाइट क्यों बोलते हैं बिकॉज तीन लोगों के बीच में हुई शाह सूजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश जो जो कि उस समय ऑकलैंड था ये ठीक है तो ट्राईपाटाइट ट्रीटी आपकी एटीन में होती है अठारह में और जो फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर होता है वो एटीन से लेके एटीन तक अठारह तक चलता है और यहाँ पर जीत भी होती है ब्रिटिशर्स की सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रंजीत सिंह अगला क्वेश्चन है फोर्थ रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्टेड इन इंडिया इन डैश बाई द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे यानी कि भारत में रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ उन्नीस सौ चौंतीस या फिर उन्नीस तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड उन्नीस अब वैसे तो इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं बट फिर भी 1923 में कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री में वो हम देख लेते हैं वो क्या था ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी का जो है गठन हुआ था किसने किया था स्वराज पार्टी का गठन स्वराज पार्टी का गठन किया था प्रो चेंजर्स ने ये प्रो चेंजर्स कौन थे ये प्रो चेंजर्स वो थे जो बोल रहे थे कि काउंसिल्स में एंट्री लो विद एन एम टू एंड और मेड द काउंसिल यानी कि जो अभी तक काउंसिल्स का बॉयकॉट चल रहा था 1922 से पहले तक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में असहयोग आंदोलन में उसको हटाओ और काउंसिल्स में एंट्री लो तो प्रो चेंजर से हमारे सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू सी आर दास पहले प्रेसिडेंट बने और मोतीलाल नेहरू उनके पहले सेक्रेटरी बने ठीक है और उसके बाद गांधी जी ने पहले तो अपोज किया लेकिन जब वो 1924 में जेल से बाहर छूट के आए तो एक बलगाम सेशन हुआ कांग्रेस का विच वॉज दी ओनली सेशन दैट महात्मा गांधी प्रिसाइडेड इन दी 1924 ट्वेंटी फोर बेलगांव कर्नाटका में जो सेशन हुआ था और इस सेशन में गांधी जी ने बोला कि ठीक है चेंजर्स को हम मतलब ठीक है अच्छी चीज है और इनको ये दे विल वर्क विद इन दी कांग्रेस ठीक है अगले क्वेश्चन पे आया तो 1938 में भी कुछ इंपॉर्टेंट हुआ था नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने जिसके पहले चेयरमैन कौन थे जवाहरलाल नेहरू थे ये आपको पता होना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते हैं टर्म फिजिकल जियोलॉजी वॉज क्वाइन बाई भौतिक भू भूविज्ञान शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था फिजिकल जियोलॉजी जब जियोलॉजी और ज्योग्रफ़ी में अंतर क्या होता है तो जोग्रफी वो होता है कि जब हम जो हम बाहर जो हमारी अर्थ के रिलीफ फीचर्स होते हैं माउंटेन्स प्लेट्यूज प्लेन्स रिवर्स इन सब को हम पढ़ते हैं दैट इज़ जोग्राफी जियोलॉजी हम अंदर इंटीरियर का पढ़ते हैं क्रस्ट मेंटल कोर ये सब ये जो पर्टिकुलर टर्म है ये विलियम हॉपकिंस ने कॉइन किया था ऐसे ही आपके पिछले मतलब एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हु क्वाइन द टर्म इकोलॉजी क्वाइन दर्म इको सिस्टम तो ये सब आपको पता होना चाहिए तो इकोलॉजी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको ने ने जो है टर्म को कॉइन किया था और आपसे ये भी पूछ लिया था ट्वेंटी 2022 में कि अर्स्ट हेकल ने जो इकोलॉजी टर्म कॉइन किया था कब किया था 1866 में किया था और इको की अगर बात करें तो ये टांसले है, ठीक है आर्थर आर्थर टांसले ने यह जो टर्म है इसको कॉइन किया था इको अगला क्वेश्चन है

फॉरेस्ट एंड ट्री कवर अगर मैं फॉरेस्ट कवर की बात करूँ तो दैट वॉज रफली ट्वेंटी वन पॉइंट सेवन परसेंट और फॉरेस्ट प्लस टी ट्री कवर अगर आपसे पूछ ले अब फॉरेस्ट का मतलब होता है एक सर्टन कंडीशन होती है पैरामीटर्स होती है कि भाई इतने एरिया में डेंस मतलब ट्री कवर होना चाहिए तो उसको फॉरेस्ट रीट किया जाएगा वैसे करके ठीक है और अगर हम फॉरेस्ट और पूरा ट्री कवर में ला लें दैट स्टैंड अराउंड रफली ट्वेंटी फोर पॉइंट सिक्स परसेंट जो हमारा टारगेट है वो रहता है थर्टी थ्री परसेंट फॉरेस्ट कवर का ठीक है तो यहाँ पे अगर बात करें और भी काफ़ी सारे वैसे फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए चलिए यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सबसे पहले लार्जेस्ट कवर लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर किस स्टेट में है तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश ये है एप्सल्यूट टर्म्स में एरिया वाइज लेकिन हम लार्जेस्ट कवर पूछ लें अगर परसेंटेज वाइज परसेंटेज आप समझते हैं कि यानी कि उसके एरिया के हिसाब से निकाला जाता है यानी कि जितना ज़्यादा छोटा स्टेट होगा उतना ही ज़्यादा मतलब परसेंट बहुत ज़्यादा चांसेज है कि वो परसेंटेज टर्म्स में ऊपर स्टैंड करेगा ये बहुत लॉजिकल सी चीज़ है और कई बार ऑप्शन एलिनेश्शन एलिमिनेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है अब फॉरेस्ट कवर कई परसेंटेज आपसे नहीं पूछ सकता हो सकता है किसी भी चीज़ का परसेंटेज पूछ ले तो हमेशा दिमाग में याद रखना है जैसे गोवा है कितना छोटा है तो यहाँ परसेंटेज किसी भी चीज़ का होने के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि एरिया कम है ना इसका तो अगर मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मध्य प्रदेश है ठीक है और ये मान लेते हैं गोवा है या मान लेते हैं मिज़ोरम है तो मध्य प्रदेश में इतना फॉरेस्ट कवर है इतना ठीक है इतना फॉरेस्ट कवर है लेकिन मिजोरम में इतना इतना फॉरेस्ट कवर है तो आप देखिए परसेंटेज टर्म्स में तो इसमें ज़्यादा लग रहा है ना लेकिन अब सल्यूट टर्म्स में तो इसमें ज़्यादा कहीं स्टैंड ही नहीं करता है ठीक है तो ये चीज़ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि परसेंटेज टर्म्स में जो छोटे स्टेट होते हैं वही यूजुअली स्टैंड आउट करते हैं तो यहाँ पे आंसर है मिज़ोरम आपसे पूछेगा लार्जेस्ट इंक्रीज कहाँ पे हुआ है फॉरेस्ट कवर में लार्जेस्ट इंक्रीज और लार्जेस्ट डिक्रीज तो लार्जेस्ट इंक्रीज हुआ है ए फॉर आंध्र प्रदेश और लार्जेस्ट डिक्रीज हुआ है ए फॉर अरुणाचल प्रदेश ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है चार पांच फैक्ट्स तो अब यहां पे अगर हम बात करें कि इतना एरिया किसने कर कवर कर रखा है तो ये मैनग्रोव्स ने कवर कर रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर होगा इसको लेके हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि मैनग्रोव जो हमारे कोस्टल इलाके होते हैं वहां पे मिलते हैं और ये जो वेस्ट बंगाल के मैनग्रूव है सबसे ज्यादा फेमस है इंडिया में मैनग्रूव कवर सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में मैनग्रूव्स की अगर बात करें तो इनकी जो रूट्स हैं सो जड़ें जो ऊपर निकली रहती हैं इनको हम लिविंग लिविंग रूट्स बोलते हैं ठीक है और इनको हम न्यूमैटो फोर्स भी बोलते हैं न्यूमैटो फोर्स एंड दीज आर विवी पैरस वॉट डज दिस विवी पैरस मीन्स विवी पैरस का मतलब ये होता है कि इनमें जो सीडलिंग्स लगे होते हैं वो वहीं पर लगे लगे ही जर्मिनेट करने लगते हैं दैट इज़ दैट आर कॉल्ड इज मैनग्रूव मतलब वे वी पैरस तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखना और सबसे ज़्यादा कवर कहाँ पर वेस्ट बंगाल पर तो जो सुंदरबन आप फॉरेस्ट देखते हैं ठीक है सुंदरबन नेशनल पार्क तो वो एक तरह से मैनग्रूव वही है क्योंकि वो एक तरह से हम देखें तो यहाँ पर सी है एक साइड ठीक है और यहाँ से रिवर आ रही है हमें पता है कि मेघना रिवर है ना जो गंगा और यमुना गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल के दोनों जो मेघना बनाती हैं और वो यहाँ पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं तो एक तरह से वो मैनग्रूव लाइक कंडीशंस क्रिएट करती हैं जब मैं एल्पाइन की बात करता हूं इसका मतलब होता है जो पहाड़ों में जो बर्फीली जगह होती हैं पहाड़ों में ऊपर अगर मैं बात करूं पहाड़ों में जैसे पहाड़ों में अगर बात करूँ हिमालयाज में तो नीचे आपको ट्रॉपिकल डेसीडुअस टाइप फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे ऊपर चले जाएंगे एलपाइन देखने को मिलेगा एल्पाइन वो वाले फॉरेस्ट हैं जो कि आपको ये बर्फीले इलाकों ने कि जो जैसे ये हम टेम्परेट इलाकों में जाएंगे या फिर जैसे कि पोल्स के पास जाएंगे तो वहाँ पे देखने को मिलते हैं अल्पाइन ठीक है थॉर्न आप जानते हैं जो डेजर्ट होते हैं जहाँ पे वो हम एक अलग से डिस्कशन करेंगे एवरग्रीन डेसीडुअस थॉर्न की भाई कितनी रेनफॉल चाहिए तो जैसे थॉन वहाँ पर होते हैं जहाँ पचास सेंटीमीटर से कम की रेनफॉल होती है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं सेवेंथ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेटेड द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इन द कॉलोनियल इंडिया ऑन तो कब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया तो पहला स्वतंत्रता दिवस हम लोग कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं आई थिंक पहले डिस्कस किया है कि नहीं किया चलो कोई नहीं अभी डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से ट्वेंटी जनवरी नाइनटीन लाहौर में एक सेशन होता है कांग्रेस का नाइनटीन में उन्नीस में ठीक है उन्नीस में और इसकी चेयरमैनशिप करते हैं जवाहरलाल नेहरू और इस जो लाहौर का सेशन होता है इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं लेटेस्ट डिस्कस दैट तो लाहौर के सेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि कांग्रेस अपना जो गोल है वो पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करती है पूर्ण स्वराज का मतलब होता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए अब हमारा गोल है पूर्ण स्वराज और क्या हुआ और यहाँ पर डिसाइड हुआ कि वी विल लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सी डी एम ये लॉन्च भी हुआ लेकिन उससे पहले गांधी जी ने अल्टीमेटम भी दिया था जो द देन वॉइस रॉय था उस समय का वॉइस रॉय था इरविन कौन था इरविन इसके सामने पहले तो दिल्ली मैनिफेस्टो प्रेजेंट किया गया देन गांधी जी की 11 डिमांड्स प्रेजेंट करी गई नहीं मानी तो फिर 12 मार्च 1930 को सीडीएम लॉन्च करना पड़ा सा विना आंदोलन यहीं पे डिसाइड हुआ कि हम लोग जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहली गोलमेज सम्मेलन है जो लंदन में होगी उसको करेंगे बॉयकॉट हमें पता है कि गोलमेज सम्मेलन क्यों रखी गई थी ताकि इंडिया के फ्यूचर को डिसाइड करने के लिए भी जो साइमन कमीशन आया था उसको लेके एक तरह से डिस्कशन होना था लंदन में वहां पे सबको बुलाया गया था टोटल तीन हुई थी पहली हुई थी 1930 दूसरी हुई थी 1931 और तीसरी हुई थी उन्नीस कांग्रेस और गांधी जी ने सिर्फ दूसरी वाली में हिस्सा लिया था पहली और तीसरी में नहीं लिया था गांधी जी ने कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था और अगर हम बात करें इसमें जो चौथी चीज़ थी दैट वॉज कि वी विल सेलिब्रेट 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस जो है मनाएंगे ये 26 जनवरी 1930 को हम मनाएंगे ऐसा यहाँ पे डिसाइड किया गया था और यहाँ पे रावी नदी के तट पे जो उस समय का जो झंडा था इंडिया का उसको फहराया गया था ठीक है जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था रावी नदी के तट पे तो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका ठीक है कांग्रेस की अगर बात कर लें तो बहुत एकदम एमिनियम टाइप स्पीड में रिवाइज कर लेते हैं जो हम लोगों ने पहली चीज़ें पढ़ी एटीन में बना था एलन ऑक्टोवेन होम जिसको हम फादर ऑफ इंडियन निथोलॉजी बोलते हैं उसने मतलब एक तरह से कांग्रेस को बनाया था और डफरीन उस समय वॉइस रहा था ठीक है और कांग्रेस को फैक्ट्री ऑफ सेडिशन भी बोला था डफरीन ने यहाँ पे कॉन्स्पेरेसी थ्योरी दी थी, थी आरपी दत्त ने और सेफ्टी वॉल थ्योरी दी थी लाला लाजपत राय ने इसका जो पहला सेशन हुआ था वो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था और इसको अटेंड किया था 72 लोगों ने वो उमेश चंद्र बनर्जी ने प्रिसाइड किया था दूसरे सेशन जो कि कैलकाटा में हुआ था दादा भाई नरोजी ने प्रिसाइड किया था टोटल 434 लोगों ने इसको प्रिसाइड किया था ठीक है एंड थर्ड सेशन जो हुआ था वो मद्रास में हुआ था और वहां पे बदरुद्दीन तैब जी जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बने उन्होंने प्रेसाइड किया और उसके अगला वाला सेशन अलाहाबाद में हुआ जिसको जॉर्ज यूल ने प्रेसाइड किया जो कि पहला ब्रिटिशर था जिसने उसको प्रेसाइड किया कांग्रेस के सेशन को तो ये सारी चीजें हम पहले भी देख चुके हैं इसलिए यहां पर हम लोग ओरली उसको रिवाइज कर रहे हैं ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगला क्वेश्चन है फॉर प्रोवाइडिंग अ नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन टू लो इनकम हाउस होल्ड देर इज अ लिमिट ऑफ डैश ऑन मंथली लोन रीपेमेंट ऑब्लीगेशन ऑफ अ हाउस होल्ड एज अ परसेंटेज ऑफ मंथली हाउस होल्ड इनकम यानी कि अगर आप फॉर प्रोवाइडिंग अ नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन यहाँ पे है ट्वेल्व लो इनकम आप देखो दो तरह के लोन होते हैं एक तो माइक्रो फाइनेंस और नॉन माइक्रो फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस माइक्रो का मतलब होता है छोटा और ये माइक्रो फाइनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर मैं बात करूँ चाहे आप कोई भी पिछले जितने भी एस के एग्जाम हुए हैं दो तो में उठा लीजिए कोई एक मुझे एग्जाम दिखा दीजिए जिसमें कि माइक्रो फाइनेंस से क्वेश्चन ना आया हो एक भी एग्जाम ठीक है तो माइक्रो फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं जो छोटी एक्टिविटीज करते हैं जैसे कि शॉर्ट बहुत छोटा अमाउंट लोन में उठाते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अब ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की अगर बात करें तो इसके हिस्ट्री के बारे में भी बहुत जाना जरूरी है इसकी एक्चुअल में हम शुरुआत मानते हैं बांग्लादेश से बांग्लादेश में सेटअप हुआ था ग्रामीण बैंक जिसको कि हम बोल सकते हैं पहला एक तरह का माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ग्रामीण बैंक अब ये ग्रामीण बैंक सेटअप किसने किया था याद करिए मैंने फादर ऑफ आपको बताया था फादर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप जिनको फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस भी इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं वो है मोहम्मद यूनिस जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है अब इंडिया में अगर हम बात करें इंडिया में सबसे पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कौन था तो दैट वाज सेवा सेवा स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेंस एसोसिएशन जो गुजरात का एक एसोसिएशन है जो 1974 में बना था और ये वन ऑफ द पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करें तो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं स्वयं सहायता समूह ठीक है और जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप जेल जॉइंट ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप ये जो होते हैं क्या होते हैं ये हमारे माइक्रो फाइनेंस फाइनेंस्ट्यूशन होते हैं इसकी अगर मैं बात करूँ इसकी स्ट्रेंथ पूछ ली थी सी जी में चार से लेकर दस तक इसकी स्ट्रेंथ होती है मिनिमम चार मेंबर मैक्सिमम दस मेम्बर इसकी बात करें 10 से लेकर 20 तक इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है एक और चीज़ कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की हालत देखने के लिए और मतलब एक कमेटी बनी थी 2010 में उसका नाम था मालेगाम कमेटी और उसने मालेगाम कमेटी ध्यान रखना ठीक है ये 2010 में 2010 में बनी थी और इसने रिकमेंड ये भी किया था कि आप माइक्रो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन सेटअप करो एन के अंदर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं उनके अंदर भी एन बी को सेटअप करो माइक्रो फाइनेंस अगर हम बात करें ये हमारी इकोनॉमी में अगर हम एक तरह से बोलें तो इंक्लूसिविटी यानी कि आर्थिक समावेशिता को बढ़ावा देती है यानी कि इकोनॉमिक या फिर फाइनेंशियल फ़ाइनेंशियल इंक्लूसिविटी इस पर भी क्वेश्चन आ चुका है तो ये क्या होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज कोई गाँव में बैठा हुआ है कोई आदमी ठीक है ये माइक्रो फाइनेंस्टूशन किसके लिए उन्हीं के लिए हैं कि वो छोटे लोन लेना है ठीक है बहुत ज़्यादा पेपर वर्क कर नहीं सकते हैं तो उनके लिए माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशनस ही अवेलेबल हैं तो उसे होकर क्या वो भी एक तरह से फ़ाइनेंशियल जो हमारा ये बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर आएंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो तबका जो अभी तक नहीं कर रहा था तो हमने उनको अंदर ले लिया इंक्लूड कर लिया तो दट इज़ कॉल्ड एज फाइनेंशियल ठीक अब यहां पे नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए यह है कि आप 50 परसेंट अपनी जो आय है अपनी जो सैलरी है उसका दे सकते हैं तभी आपको नॉन माइक्रो फाइनेंस लोन मिलेगा तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही आंसर होगा माइक्रो फाइनेंस के रिगार्डिंग यहाँ पे मैंने जितनी चीजें बताई हैं वो आप ये मान लीजिए कि आपकी रफली एट्टी टू नाइन्टी चीजें हो चुकी हैं अब मैं टेन आगे बताऊंगा लेकिन अभी के लिए हमको ये सारी चीजें रट लेनी है ठीक है मैंने काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर आपको बता दी हैं आगे बढ़ते हैं मानस रनथम्बौर काना सुंदरबन आर ये क्या है तो सभी को पता है कि मानस क्या है नेशनल पार्क है रनथम्बौर भी काना भी और सुंदरबन भी मानस कहाँ पर माना से आपका असम में असम में आपका काजीरंगा नेशनल पार्क भी है जो फेमस है किसके लिए वन हॉर्न ड्राइनासॉर्स के लिए आर से रणथंबोर आर से राजस्थान ठीक है सरिस्का भी राजस्थान में ही है कान्हा की अगर बात करें तो कान्हा कहाँ पर कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है मध्य प्रदेश में और भी है हमारे जैसे कि माधव नेशनल पार्क है सतपुरा टाइगर रिजर्व है ये सब भी कहाँ आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में ही संजय गांधी नेशनल पार्क है और सुंदरबन हमें पता है वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल में और कौन से है वेस्ट बंगाल में हमारा बक्सा टाइगर रिज़र्व है एक ठीक है नेोरा वैली नेशनल पार्क है जिसको हम ने, ने्यूरा घाटी नेशनल पार्क बोलते हैं सुंदरबन नेशनल पार्क है तो ये सारे वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है तो ये आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट नेशनल पार्क ठीक है अच्छा जो जू हो गए और जो जीन जीन बैंक हो गए इनको हम बोलते हैं एक्स सितू साइट्स क्या बोलते हैं एक्स सितू साइट और नेशनल पार्क को बोलते हैं इन सितु साइट मतलब क्या होता है इन सितु का मतलब होता है जहां पे कोई जानवर रह रहा है वहीं पे उसका हमने कंजर्वेशन कर दिया जैसे कि यहां पे मान लो कोई जानवर रह रहा है यहां पे हमने बाउंड्री खींची बोल दिया नेशनल पार्क है वहीं पर उनका कंजर्वेशन कर लिया एक्सु एक में क्या होता है बाहर से उठा के लाए गए हैं अब जो जो होते हैं चिड़ियाघर होते हैं तो वहां पे वहाँ रहे थोड़ी ना रहते तो वह, वहां कहीं से लाए जाते हैं ना वहां पे चिड़ियाघर और जीन बैंक में तो ध्यान रखना एक्स एक्सु और इन सेतु क्या होता है इसका मतलब ठीक है जो हमारे बाईस रिजर्व्स आएंगे वो भी किस में आएंगे इन सेतु में ही आएंगे क्वेश्चन नंबर टेंथ एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ इंडस वाली सिविलाइजेशन वॉज दी ग्रेट बाथ डिस्कवर्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग मतलब इंग्लिश में हो गया मतलब कहाँ पे विशाल स्नानागार जो डिस्क डिस्कवर किया गया था मोहनजारो काली बंगा धोलावीरा लोथर फिर से देखिए इंडस वाली सिविलाइजेशन है हड़प्पा पे क्वेश्चन है जल्दी से रिवाइज करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन एज सिविलाइजेशन आयरन के बारे में नहीं पता था इन लोगों को पच्चीस से लेकर सत्रह सौ पचास तक के बीच में था और इस यहाँ के लोग आयरन का नहीं पता था ठीक है हमने देख लिया और हमने देखी थी इसकी एक्सट्रीम साइट ये क्या था मांडा जम्मू कश्मीर दहमाबाद महाराष्ट्र आलमगीरपुर यूपी और सुखता गंडौर ये कहां पे है बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है ये चीज़ें हमने देखी थी और हमने ये देखा था 1921 में डिस्कवर हुआ था दयाराम राम सहनी ने हड़प्पा खोजा था जो रावी नदी के किनारे जिसको और राखल दास बनर्जी ने मोहनजेदारो को खोजा था और इस समय जॉन मार्शल ए का चेयरमैन था अब बात कर लेते हैं मोहनजेदारो की स्पेसिफिकली कि यहां पे क्या क्या मिला तो मोहनजेदारो में अगर मैं सबसे पहले तो ये हमने क्या पढ़ा था ये क्या होता है जल्दी से बताइए क्या होता है तो हमने पढ़ा था ये सीटा होता है जिसको कि हम एक्रोपोलिस के नाम से भी जानते हैं जो कि हायर टाउन होता है वेस्टर्न साइड में और ये होता है लोअर टाउन इसी लोअर टाउन में यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हैं ये ग्रेट बात अगर आपने मोहनजीदारो मूवी देखी हो तो उसमें दिखाया भी गया है है ना वो पूजा हेगड़े किस तरह से उतर रही तो ग्रेट बात विश्वास सेनाकार अब ये माना जाता है कि यहाँ पे रिचुअल ऑफरिंग की जाती होंगी यानी कि लोग पूजा वूजा करने के जानी होती है तो नहाते हैं तो वो क्योंकि यहाँ पर देखिए रूम्स बने हुए हैं यहाँ पर तो ये माना जाता है कि मतलब क्लोथ चेंजिंग के लिए बने होंगे तो इसको हम बोलते हैं ग्रेट बात ये आप देख रहे हैं कौन ये है मोदी जी और ये है मेलोनी जी नहीं ये हैं आपके बियडेड मैन ठीक है ये हैं आपके बियर्डेड मैन इनकी मतलब हमें एक ये मिला है टेराकोटा और ये ब्रॉन्स का बना हुआ डांसिंग गर्ल का हमें स्टैचू मिला है ठीक है डांसिंग गर्ल और ये किस पॉस्चर में है ये ध्यान रखना है त्रिभंग पॉस्चर में है ठीक है त्रिभंग पॉस्चर इसको बोलते हैं जहां पे तीन साइड में जो है कट लगे मतलब एक तरह से बेंड है ठीक है चलिए और और भी मिली हैं चीजें ऐसी नहीं है यहाँ पे आपको ध्यान रखना गॉडेस अर्थ की टेराकोटा की सील मिली है गॉडेस अर्थ और वो जो गॉडेस अर्थ हैं उनके वूम से वूम से उनके एक पेड़ उग रहा है तो उनको हम फर्टिलिटी गॉडेस के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें हमें मिली है और यहाँ पे एक और चीज़ मिली है दैट वाज ग्रेट ग्रैनरी और ये जो ग्रेट ग्रैनरी है ये पूरे अगर हम बात करूँ मोहनजदारों की तो सबसे बड़ा कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई सबसे बड़ी बिल्डिंग है ग्रेट ग्रैनरी जो विशाल अन्ना गा रहे हैं यहाँ पे लोग अन्न यानी कि जो प्रोड्यूस करते थे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस उसको यहाँ पे स्टोर करके रखते थे तो ग्रेट बात ग्रेट ग्रैनरी सबसे बड़ी कौन सी है ग्रेट ग्रैनरी और यहाँ पे इस तरह से चीज़ें बियर्डेड मैन और डांसिंग गर्ल और गॉडेस जो हमारी अर्थ है उनका उसे मिला ठीक है स्टैच्यू द स्पोर्ट नेम्ड जली कट्टू इज एसोसिएटेड इन विद विच स्टेट खेल का नाम जली कट्टू किस राज्य से संबंधित है उड़ीसा डेली तमिलनाडु फिर केरल तो जली कट्टू की अगर हम बात करें तो ये जो जली कट्टू यह नहीं है ठीक है ये क्या है ये कंबाला है ध्यान रखना ये कम्बाला है जिसको हम बफेलो रेस के नाम से भी जानते हैं जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज uh, किया जा रहा है और किस स्टेट में होता है के फॉर कम्बाला के फॉर कर्नाटक तक... ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दिस इज कॉल्ड एज जली कट्टू और इसको पोंगल के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार बैन भी लगा दिया था पोंगल जो हमारा त्यौहार होता है जो तमिलनाडु का सबसे बड़ा त्यौहार है अच्छा पोंगल का मतलब क्या होता है पोंगल का मतलब क्या होता है तो पोंगल का मतलब होता है टू तो बॉयल ठीक है किसी चीज़ को उबालना तो ये भी पूछ लिया था इसका लिटरल मीनिंग अभी तो पोंगल के आप ध्यान रखना 2023 में पूछा है सी में तो पोंगल की अगर हम बात करें तो उस टाइम ऑर्गेनाइज होता है लेकिन कंफ्यूज इस चीज़ से नहीं होना है कि ध्यान रखना आप हमेशा कि अट्टुकल पोंगल अलग होता है अट्टुकल पोंगल केरल का होता है ये चीज़ ध्यान रखना ठीक है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अट्टुकल वैसे मैंने इस पर ट्रिक पर वीडियो बना रखे हैं वाई टी शॉर्ट्स पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा तो अट्टुकल पोंगल जो है ना ये कहाँ का है ये केरल का है पोंगल तमिलनाडु का है जलीकट्टू है आपका कहां का ऑप्शन नंबर थर्ड तमिलनाडु का तमिलनाडु के और देख लेते हैं जैसे पोंगल तो मैंने आपको ही दिया जो कि काफी फेमस है पुथांडू यहाँ का न्यू ईयर फेस्टिवल है यहां का न्यू ईयर फेस्टिवल है न्यू ईयर भी हम लोग किसी एक वीडियो में अलग से समराइज कर लेंगे तो पुथांडू हो गया आपका और नाट अंजली ठीक है नाट एंजली और थाईपूसम था पूसम। गाई करती गई ये सारे कहाँ के फेस्टिवल हैं तमिलनाडु के आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क इन दी प्रिंसिपल ऑफ एक विद्युत जनरेटर और एक विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं ऑप्शन आपके सामने हैं तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा जनरेटर और मोटर की बात कही गई है तो थोड़ा सा हम पहले डिस्कस कर लेते हैं जनरेटर और मोटर को लेके तो वो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि जनरेटर और मोटर होते क्या हैं तो जनरेटर क्या करते हैं हम जनरेटर को ऐसे चलाते हैं ना खट 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 और वो क्या करता है हमने एक तरह से मकैनिकली उसको ऑपरेट किया मैकेनिकली चला और मैके meka... तो फिर क्या कर रहा है मकैनिकली एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना हम इसीलिए तो यूज़ करते हैं जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उसका उल्टा जस्ट उल्टा काम करता है मोटर मोटर क्या करता है मोटर <पतिए> को हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं ठीक है कनेक्ट करते हैं उसको तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, है एकदम उल्टा जनरेटर जो है ये एकदम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल पे वर्क करता है और ये जो है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है एकदम उल्टा जनरेटर की अगर बात करें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इंडक्शन इस कॉन्सेप्ट ये वर्क करता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर बात करें तो ये लॉ दिया था फैराडे ने फेराडे ने कि भाई अगर आप किसी भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को ले जाओगे तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा वो मूव करेगा ये बोला था जो हमें जानने की ज्यादा डीप में ज्यादा जरूरत नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसने दिया था फेराडे ने और उसी कॉन्सेप्ट जनरेटर वर्क करता है क्लियर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जनरेटर राइट हैंड और इलेक्ट्रिक मोटर लेफ्ट हैंड अब ध्यान रखना जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ये हमें बस ध्यान रखना कि फोर्स कितना कंडक्ट हो रहा है ये बताता है और फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है इससे हमें करंट इन दी कंडक्टर के बारे में पता चलता है एक आपका राइट हैंड थंब रूल होता है उसका फ्लेमिंग से कोई लेना देना नहीं है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड फोर्स फ्लेमिंग का राइट हैंड करंट विद्युत लेकिन जो राइट हैंड रूल है ये 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 फ्लेमिंग का नहीं है ये, sorry, right है सॉरी राइट राइट हैंड हैंड थंब थंब रूल रूल बहुत पहले दिया गया था जिसमें यह बताया जाता है कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट कैरिंग कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यह बताता है तो क्या बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन करेंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर जो है उसमें हमें ये बताता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है थर्टीन त्रिशूल गंगा इज अ स्ट्रीम ऑफ विच रिवर त्रिशूल गंगा नदी की एक धारा है किसकी गोदावरी घाघरा ब्यास या फिर गंडक त्रिशूल गंगा की बात करें गंडक की एक ट्रिब्यूटरी है ठीक है और काली गंडक भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है विच इन टर्न यानी गंडक खुद गंडक खुद गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है ये आपको पूरा गंगा यहां पे चार्ट देख पा रहे हैं तो गंगा की अगर हम ट्रिब्यूटरीज को अगर हम बात करें तो दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं वो दो कैटेगरीज क्या है एक तो लेफ्ट हैंड और दूसरा राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड हम रूल नहीं है ये लेफ्ट हैंड और राइट right हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं तो ये गंगा का पूरा देख पा रहे हैं ये गंगा है हमारी ठीक है ये गंगा है यहां से ओरिजिनेट हो रही है ठीक है गंगोत्री ग्लेशियर्स और ये इस तरह से मूव कर रही है तो ये इसका कुछ मूवमेंट है ठीक है जो इसको लेफ्ट साइड से ज्वाइन कर रहे हैं उनको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं जो राइट right साइड से ज्वाइन कर रहे हैं उनको राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं तो देखिए रामगंगा गंगा घा राम गंगा, गोमती घाघा गंडक कोसी ये क्या है इसकी सहायक नदियाँ हैं और राइट हैंड की अगर हम बात करें तो यमुना है ये चंबल नहीं चंबल यमुना की है ठीक है यमुना है सोन है ठीक है रिहान नहीं है रिहान सोन को ज्वाइन कर रही है तो ये ध्यान रखना दो इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज़ हैं यमुना एंड सोन अब हम देखते हैं कि आपस में ये सब मिलती कहाँ है तो यमुना की बात करें तो ये प्रयागराज मिलते हैं है। हमें पता है गंगा और यमुना में प्रयाग यानी कि प्रयाग का मतलब होता है जहाँ पे संगम होता है दो नदियों का और सोन मिलती है पटना में ये है आपका पटना ठीक है और ये घाघरा देख पा रहेंगे घाघरा भी पटना के पास मिल रही और ये गंडक गंडक भी कहीं पटना के पास ही मिल रही लेकिन अगर हम एग्जैक्ट की बात करें तो घाघरा ये मिलती है छपरा जो जगह है ये छपरा जगह है मतलब मैं फिर से देख बताता हूँ आपको ये है पटना जहाँ पे सोन मिल रही है तो पटना के पास ही तो घाघरा मिल रही है पटना के पास ही तो गंडक मिल रही है तो घाघरा हो सकता है पटना ऑप्शन में नहीं हो सकता है तो छपरा ऑप्शन में लिखेगा ठीक है छपरा बिहार और गंडक की अगर बात करें तो ये सोनपुर जगह पड़ती है ठीक है सोनपुर पटना के पास वहां पे मिलती है गोमती की अगर बात कर लें तो जी से गोमती और जी से गाजीपुर जो यूपी का है ठीक है गाजीपुर और यहां पे इसकी लास्ट है कोसी कोसी की अगर बात करें तो ये मिलती है कहां के से कोसी के से कटिहार ठीक है ये चीज़ आपको पता नहीं चाहिए कौन सी कहां मिलती तो अभी के लिए सिर्फ गंगा में आपको इतना ही याद रखना अभी मैम ने आपको वो नहीं पढ़ा प्रयाग जो विष्णु प्रयाग रुद्र प्रयाग कर्ण प्रयाग वो हम देखेंगे आगे धीरे धीरे अभी हमारे पास टाइम है ठीक है तो अभी इतना सारी चीजें आप अभी के लिए याद करेंगे ठीक है गोदावरी की अगर हम बात करें तो इसको हम वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं ठीक है वृद्ध गंगा या फिर इसको हम जानते हैं किस नाम से दक्षिण गंगोत्री के नाम से ठीक है दक्षिण गंगोत्री के नाम से और साउथ इंडिया के सबसे बड़ी नदियां हैं जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी इंडिया में जो नदियां हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एक को बोलते हैं हिमालयन रिवर्स और दूसरे को बोलते हैं पेन्सिलर रिवर्स यानी कि हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां तो अभी जो मैं गंगा बात कर रहा था यानी कि जो हिमालयन रिवर सिस्टम है उसमें तीन मेजर रिवर सिस्टम है एक तो गंगा इंडस और ब्रह्मपुत्रा जो हमें पढ़ने होते हैं ब्रह्मपुत्रा तो हमने डिस्कस कर चुका है थोड़ा बहुत जैसे कि हमने देखा था कि ये अंगसी ग्लेशियर है चेमा युग से निकलती है साउथ वर्टन टर्न मारती पे कहाँ पर में और नामचा बरवा से इंडिया में एंटर करती है तिब्बत में इसका यारलंग सांगपो नाम होता है फिर अरुणाचल में जब आती है तो पहले नाम सियांग पड़ता है हाईलैंड में फिर पड़ता है इसका नाम सियांग के बाद इसका नाम पड़ता है क्या जाके सियांग के बाद इसी जाती है यहाँ पे और सियांग के बाद दिहांग पहले नाम पड़ता है और दिहांग के बाद असम में जाती है जहाँ पे इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है ब्रह्मपुत्र में साउथ वर टर्न मारती है धुबरी से पूरा दिमाग में चलना चाहिए मेरे दिमाग में चल रहा है पूरा वो ठीक है धुबरी है ये धुबरी से साउथ वर टर्न मारा बांग्लादेश में कोई बांग्लादेश में नाम पड़ गया जमुना मिल गई पदमा से जो कि गंगा है अब बन गया मेघना ठीक है तो गंगा अभी हमने थोड़ा सा पढ़ा है बाकी पूरा गंगा रिवर सिस्टम अभी हमने नहीं देखा है उसी तरह साउथ इंडिया की भी रिवर्स हैं ये है कि गोदावरी ठीक गोदावरी है बस बाकी तो सब ये नॉर्थ इंडिया के जैसे घाघरा भी आपकी ट्रिब्यूटरी है गंगा की तो गोदावरी की अगर कर बात करें तो वृद्ध गंगा फिर दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं और इसका जो ओरिजन होता है ये यहाँ पर चलिए देख लेते हैं चलो यहाँ पे नहीं आ गया आई थिंक कोई क्वेश्चन है ठीक है कोई क्वेश्चन है मैंने लगाया तो था एक वो फोटो आई थिंक चलो कोई नहीं आगे बढ़ते हैं अभी आई थिंक का क्वेश्चन है तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको ठीक है साउथ इंडिया के जो रिवर्स है लेट बॉल स्ट्रोक बॉल एंड नो लेट आर पार्ट ऑफ विच गेम तो लेट बॉल स्ट्रोक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है स्क्वैश रग्बी हैंडबॉल या फिर पोलो तो लेट बॉल स्ट्रोक बॉल और नो लेट ये स्क्वैश के टर्म्स हैं स्क्वैश से आपको याद आना चाहिए जो हमारी प्लेयर हैं चौदह साल की अनाहत सिंह अभी हो सकता है पंद्रह साल की हुई पता नहीं लेकिन चौदह पंद्रह साल की हैं अनाहत सिंह काफ़ी न्यूज़ में रहती हैं स्क्वैश से संबंधित हैंड बॉल से हमें सारे बॉल्स याद आने चाहिए कौन कौन से बॉल याद आने चाहिए हमें एक तो बास्केट बॉल ठीक है बास्केट बॉल याद आना चाहिए और हमें वॉलीबॉल वाल याद आना चाहिए ठीक है वॉलीबॉल और हैंड बॉल ठीक है हैंड बॉल और इसी में आप नेट बॉल भी इंक्लूड कर लो ठीक है नेट बॉल और लास्ट है हमारा बेस बॉल इनके नंबर ऑफ प्लेयर्स याद करना बहुत आसान है पाँच कैसे पाँच बास्केट लेके आए उसमें छः वॉलीज डाल दी हमने और सातों दिन जो है हम लोग हैंड का जो यूज़ करते हैं अब नहीं करेंगे क्योंकि हमें मिल गया है एक बेस बस ये ध्यान रखना सात के बाद आठ नहीं है नौ है ठीक तो याद हो गया ना तो आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि पोलो से हमने क्या पढ़ा था पोलो से अभी पढ़ा नहीं है चलो आगे पढ़ेंगे कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है जो फाउंडर है स्लेव डायनेसिटी का मामलू वंश का ट्वेल्व जीरो सिक्स ए डी में जिसने स्लेव डायनेसिटी फॉर्म करी थी उसकी खेल यही खेलते वक्त मृत्यु हुई थी जिसको हम चौगान के नाम से भी जानते हैं ठीक है चौगान या पोलो खेलते वक्त जो घोड़े में बैठ के खेला जाता है तो उससे मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की ठीक आगे बढ़ते हैं इन टेबल टेनिस द पीरियड ड्यूरिंग विच अ बॉल इज़ इन प्ले इज़ कॉल्ड एज टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद जो है खेल में होती है उसे क्या कहा जाता है लेट पॉइंट ऑबस्ट्रक्शन या फिर रैली तो उसको हम बोलते हैं रैली ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पे सही आंसर होगा मतलब कि जैसे ये अगर आपने कभी खेला हो जैसे मैंने खेला है तो मुझे पता है कि जैसे टेबल टेनिस होती है तो आप मतलब जैसे आपने मारा फिर उसने मारा फिर उसने मारा फिर उसने मारा फिर आपने काफ़ी काफ़ी देर तक कभी कभी कॉन्टिन्यू रहता है बैडमिंटन में भी दैट इज़ कॉल्ड एज रैली लेट क्या होता है कि जो आप पहला एकदम से पहली बार सर्व करते हो दैट इज़ कॉल्ड लेट सीजल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया हाउ मेनी नंबर ऑफ लेट्स आर अलाउड इन टेबल टेनिस तो ये ध्यान रखना एनी नंबर ऑफ टाइम इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स ठीक है जो सर्वर है वो कितने टाइम भी उसको लेट अलाउड होते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर और हाँ टेबल टेनिस आपको याद आना चाहिए विता दानी के बारे में क्यों बिकॉज रिसेंटली हमने पढ़ा था विता दानी हैज़ बिकम द फर्स्ट नॉट ओनली वेमेन फर्स्ट इंडियन टू बी दार्ट ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का पार्ट बनने वाली पहली भारतीय है वीता दानी अभी रिसेंटली इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर आप कॉमेंट में बताएंगे अगला क्वेश्चन है सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एज दी लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द टू थाउजेंड इलेवन का पॉपुलेशन सेंसस तो सेंसस के रिगार्डिंग हमने अभी काफी सारी चीज़ें पढ़ी हैं जैसे कि लिटरेसी रेट हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें सेंसस का अभी तक हमने बेसिक नहीं पढ़ा है ना चलो वो नहीं होगा तो किसी और लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे मुझे और भी चीज़ें आपको बतानी रहेंगी जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर बात करें जनसंख्या घनत का मतलब क्या होता है कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रह रहे हैं तो वो होता है पॉपुलेशन डेंसिटी तो सबसे ज़्यादा बिहार में ऑप्शन नंबर थर्ड कितनी है वन वन जीरो सिक्स लोग रहते हैं और सबसे कम है अरुणाचल के यहाँ पे सबसे लोवेस्ट है ना तो बिहार आंसर नहीं होगा ठीक है तो अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा जहां पे सत्रह लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर ठीक है तो सेवनटीन यहाँ पे परसेंस रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर बिहार की अगर हम बात करें तो यहां पे सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट भी है कितना सिक्सटी वन पॉइंट एट परसेंट है सबसे हाईएस्ट कहाँ पर था इसमें केरला में नाइन्टी थ्री पॉइंट नाइन फोर नाइन्टी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट सबसे लोएस्ट अगर सबसे लोएस्ट अगर मैं बात करूँ यूटी तो दादरा नगर हवेली में सबसे कम लिटरेसी रेट है और सबसे हाईएस्ट कहाँ पे लक्षदीप में 91.58 परसेंट है कहाँ का लक्षद्वीप का लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ठीक तो अभी के लिए इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है बाकी सेंसर से तो रेगुलरली क्वेश्चन आते रहते हैं तो मतलब ऑलमोस्ट सारी लेक्चर में हम सेंसर से क्वेश्चन होगा तो वहाँ पर धीरे 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 हम अपना जो है दायरा बढ़ाते जाएंगे तो अभी हमें क्या याद हो गया हमें पॉपुलेशन डेंसिटी याद होगी कि सबसे ज़्यादा किसकी है बिहार की वन सबसे कम है अरुणाचल की सेवेंटीन अरुणाचल में अभी पीछे देख के आए थे कि सबसे जो फॉरेस्ट कवर डिक्रीज है वो अरुणाचल में देखने को मिला हमको ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेट इन डायरेक्ट टैक्स शुद्ध अप्रत्यक्ष करों की गणना के लिमलिखित में से कौन सा सूत्र सही है इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ और वो चीज़ें मुझे बतानी पड़ेंगी अगर मुझे आपको ये समझना है तो वो ज़रूरी नहीं है कि ये आपको समझना पड़े लेकिन थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं उसको जो राष्ट्रीय आय वाला कॉन्सेप्ट होता है नेशनल इनकम ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम परस्पेक्टिव से तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं जी ठीक है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सबसे बेसिक है ये इसका मतलब क्या होता है इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड एकमी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूज इन विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन द टेरीटरी ये बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है विद इन दी टेरिटरी विद इन द टेरिटरी का मतलब क्या है कि जैसे इंडिया है यहाँ पे इंडिया की टेरिटरी के अंदर कितना गुड का मतलब क्या होता है सामान ठीक है जैसे लैपटॉप हो गया मान लो ठीक है कपड़े हो गए गाड़ियाँ हो गई गुड्स सर्विसेज सर्विसेज का मतलब जैसे कि हॉस्पिटैलिटी सर्विस होती है जैसे मैं आपको जो दे रहा हूँ वो सर्विस है ठीक है जो मैं जो दे रहा हूँ सर्विस है उससे मैं जितना भी अर्न करूंगा ना वो, वो जी के अंदर जाएगा अगर अगर मैं क्या करूं ठीक है आपने एक टर्म सुना होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सुना होगा कुछ नहीं करना है जी में डिप्रिसिएशन को घटा देना है डिप्रिसिएशन क्या होता है मूल लिहाज ये होता क्या है जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लैपटॉप लिया ठीक है तो इस लैपटॉप की वैल्यू मैंने यूज़ किया तो घट गई होगी ना जैसे मान लो पचास हज़ार मैंने लैपटॉप खरीदा तो वो पचास हज़ार का थोड़ी ना रहा होगा तो डेप्रिसिएशन उसको हटा देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा ठीक है और इस जी में अगर हम क्या करें अगर हम ये करें कि जी में हम नेट फॉरिन इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दें अब मतलब समझो मतलब कुछ ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये टेरिटरी है टेरिटरी के बाहर मान लो ये यूएसए है ठीक मतलब है ये साउथ ठीक है ये मतलब साउथ अमेरिका है ये ऑस्ट्रेलिया है ये अफ्रीका है ठीक है यहाँ पे यूरोप यूरोपियन कंट्रीज है हमारे देश के लोग तो हर देश में रह रहे हैं तो वो कुछ जो फाइनल गुड एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको नहीं काउंट करेंगे क्या अगर उसको काउंट करेंगे तो हम बोलेंगे उसको नेश क्या बोलेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद फिर हमें जो यहाँ पर इंडिया में फॉरनर्स रह रहे हैं उनको भी हटाना पड़ेगा फिर तो सिंपल सी बात है

तो अगर आप इस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देंगे जी में तो क्या मिल जाएगा आपको सिंपल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और अगर आपको अब नेट नेशनल प्रोडक्ट चाहिए एन तो जी में डिप्रिसिएशन को घटा दीजिए यानी कि हमने एक सिंपल सा थम रूल समझ लिया कि अगर हमें ग्रॉस से नेट में आना है ग्रॉस से नेट में आना है तो डिप्रिसिएशन को घटा देना ग्रॉस से नेट में आना है तो डिप्रिसिएशन घटा देना अगर हमें ग्रॉस से ग्रॉस में ही रहना है लेकिन डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ देना है अब ये जो मैंने सारी चीज़ें बताई आपको ये जी डी चल रहा था मार्केट उसमें मार्केट कॉस्ट में ठीक है सॉरी मार्केट प्राइस में जी डी पी एट एन डी पी एट मार्केट प्राइस एन जी एन पी एट मार्केट प्राइस लेकिन एक होता है फैक्टर कॉस्ट एक जैसे मार्केट प्राइस होता है वैसे होता है फैक्टर कॉस्ट और अगर हमें फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो कैसे निकालेंगे कुछ नहीं हम जी अगर हमें एट फैक्टर कॉस्ट चाहिए जिसको हम इन शॉर्ट या, यह, यहां पर एट तो एफ सी uh, लिख रहा हूं लेकिन इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जीडीपी और नीचे लिखा होगा एफ सी तो जी डी एट फैक्टर कॉस्ट होता है जी डी पी एट मार्केट प्राइस एट मार्केट प्राइस प्लस सब्सिडी प्लस सब्सिडीज माइनस इनडायरेक्ट टैक्स तो इतना सारा ये मैंने आपको बताने के लिए इतना सारा घुमा के लाया क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं आपको क्वेश्चन उठा के देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है तो इनडायरेक्ट टैक्स से हमें घटा देना होता है सब्सिडीज को उससे हमें मिलिए और इसी को अगर मैं इसको पता है ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं तो मैं जी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब समझे यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी हुआ ना ये यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड अगर नहीं समझ आया तो फिर से बुद्धि दौड़ाना अगर यहाँ पे मैं माइनस साइन लगा दूँ तो ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा तो यही तो हुआ इंडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी ठीक है तो जी डी मार्केट प्राइस माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्स अगर मुझे जी फैक्टर कॉस्ट चाहिए तो फिर अभी और अगर मैं, मैं बात करूँ ये नेशनल इनकम में और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भाई बेस ईयर क्या होता है करंट प्राइसेस क्या होते हैं और डिफ्लेटर क्या होता है जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो अगला क्वेश्चन है तो द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द गोदावरी रिवर इज प्रेजेंट इन विच ऑफ़ द तो फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया ने जो गोदावरी नदी का जल निकासी बेसिन है भारत के निम्नलिखित किस राज्य में मौजूद है अब जब बेसिन का बात करते हैं तो बेसिन का मतलब ये होता है एक नदी आ रही है उसकी सहायक नदी आई कुछ ठीक है उसकी कुछ सहायक नदियाँ होंगी तो इन सबको जो मिला लेंगे उसको बेसिन बोलते हैं या फिर हम इसको कैशमेंट एरिया भी बोल देते हैं सिनोनमसली बट दोनों एग्जैक्टली exactly तो सेम नहीं है लेकिन हम यूज़ कर सकते हैं सिनोनोमसली ठीक है तो हमें इतना तो पता है कि जो गोदावरी रिवर है वो महाराष्ट्र निकलती है त्रिंबकेश्वर से भाई इतना साउथ में तो नहीं जाती होगी कि उसमें केरल भी आएगा और तमिलनाडु भी आएगा ख़त्म खत्म सिंपल आप देख लो यहाँ पे ये हमारी गोदावरी रिवर है जो कहाँ से निकलती है त्र्यंबकेश्वर से याद कैसे रखेंगे जी टी जी से त्र्यंबकेश्वर गोदावरी टी से त्र्यंबकेश्वर जी टी रोड जी टी रोड किसने बनवाई थी शेर सासूरी ने जो कि रन करती है कहाँ से कैलकटा से आ, ये कालकाटा से रन करती है काबुल तक ठीक है या फिर चिटिगोंग जो बांग्लादेश में पड़ता है वहाँ से काबुल तक ठीक है तो ये हमारी साउथ इंडिया रिवर की रिवर्स है महानदी जिसमें कि इंडिया का सबसे लंबा बांध बना हुआ हीराकोट पहले फाइव के प्लान में बना था अलॉन्ग विद भाखड़ा नंगल याद आ रहा है आपको ठीक है तो ये त्रिंबकेश्वर से निकलती कृष्णा की अगर बात करें तो कृष्णा कहां से निकलती, गोदावरी भी निकलती है तुंगभद्रा और यहीं पे सिचुएटेड है क्या हम्पी जो किसकी कैपिटल थी विजयनगर की, है की नहीं? और कावेरी की अगर हम बात करें तो ये निकलती है कहां से त्रिंबकेश्वर हो गया महाबलेश्वर हो गया निकलती ताल कावेरी लेकिन ताल कावेरी वो नहीं देगा आपको वो लिखेगा ब्रह्मगिरी हिल्स क्योंकि नाम में ही कावेरी है तो फिर क्या ही मतलब हुआ पूछने का तो ब्रह्मगिरी हिल्स और ये है का, किस डिस्ट्रिक्ट में कोडागू कर्नाटक में ऊपर ही कृष्णा गोदावरी महाराष्ट्र से निकली है ये कोडागू कर्नाटक से निकली है कावेरी ये चीज ध्यान रखना और यहाँ पर इंडिया के सबसे या ये वे लेक है केरल में ठीक है ये इंडिया का सबसे लंबा लेक है लॉन्गेस्ट लेक तो यहाँ इंडिया यहाँ पे सबसे इंडिया की सदर मोस्ट रिवर देखने को मिलेगी जिसको बोलते हैं वैगई ठीक है केरल में ही आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे कहीं पे ठीक है केर सॉरी केरल बोल रहा हूँ आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी यहां कहीं पे बोलते हैं पेन्नर रिवर ठीक है पेन्नर नदी नाम है इसका पेन्नर ठीक है ये इंडिपेंडेंट रिवर है किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है पेरियार अलग है जो केरल में बहती है वेस्टर्न साइड में लेकिन पेन्नर देखो जितनी भी हमारी दक्षिण भारत की नदियाँ हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं एक तो जो पश्चिम पूर्व की ओर बह रही हैं दूसरी पश्चिम की ओर बह रही हैं पश्चिम वाली अभी हम डील नहीं कर रहे हैं इस लेक्चर में नर्मदा तापी पैरियार ये सब हम अभी डील नहीं कर रहे हैं हम अभी डील हमने क्या किया ईस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर रोर्स हैं और ज़्यादातर नदियाँ हमारी ईस्ट की तरफ ही फ्लो होकर के यहाँ पर डेल्टा बनाती हैं बे ऑफ बंगाल में और जो वेस्टर्न साइड में फ्लो होती हैं वो ज्वारब्ध उन्मुख यानी ईस्टोरी बनाती हैं वेस्टर्न साइड में बात यह आती है कि ज्यादातर नदियाँ ईस्ट के साइड क्यों फ्लो होती हैं क्योंकि यहां पे हमारा प्रायदीपी पठार है पेनिस्लर प्लेटिव है जो इन्वर्टेड ट्रायंगलर शेप में उल्टा ट्रायंगल के शेप में और ये इसका टिल्ट जो है वो ईस्टर्न साइड में है तो इसलिए ज्यादातर नदी हमारी ईस्टर्न साइड में चली जाती हैं ठीक है थीके? तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड हो गया बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे देखा कितनी तुरंत एलिमिनेट किया और खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा ठीक है अगले क्वेश्चन पे आते हैं पॉलिटी से द फर्स्ट आवर ऑफ अ सिटिंग ऑफ द हाउस अलॉटेड फॉर आस्किंग एंड आंसरिंग ऑफ क्वेश्चन इज कॉल्ड एज प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित सदन की बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है तो जो हमारी सदन की कार्रवाई होती है अगर हम बात करें जो हमारे पार्लियामेंट होते हैं उनके तीन सेशन होते हैं ठीक है तीन सत्र बुलाए जाते हैं एक होता है विंटर सेशन शीतकालीन सत्र एक होता है मानसून सेशन मानसून सत्र और एक होता है हमारा विंटर मानसून और बजट सत्र समर करके सेशन नहीं होता है तो ये है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि मिनिमम दो सेशन तो बुलाने ही पड़ेंगे मैक्सिमम तीन और मिनिमम दो तो होने ही होंगे यानी कि दो सेशन के बीच में मैक्सिमम जो गैप हो सकता है वो कितना हो सकता है छः महीने का जो है वो गैप हो सकता है मैक्सिमम और ये जो सेशन होते हैं इसमें काफ़ी सारी सीटिंग्स होती हैं तो ये लोग जब दिन में मिलते हैं तो ग्यारह बजे इन लोगों की क्लास शुरू होती है एक तरह से जैसे हम लोग का स्कूल शुरू होता है तो आठ बजे वैसे इन लोग का स्कूल ग्यारह बजे शुरू होता है ग्यारह बजे से लेकर बारह बजे का जो टाइम पीरियड होता है ये होता है क्वेश्चन आवर इसको बोलते हैं जो पहला ही घंटा होता है सदन का क्वेश्चन आवर यानी प्रश्न काल बोलते हैं जहाँ पे यूजुअली जो विपक्ष होता है वो मिनिस्टर से सवाल करता है यानी कि जो प्राइवेट मेंबर होते हैं प्राइवेट मेंबर वो होते हैं जो पोर्टफोलियो होल्ड नहीं करते हैं जो मिनिस्टर नहीं होते उनको प्राइवेट मेंबर बोलते हैं तो वो क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है मिनिस्टर से इसके बाद ट्वेल्व पी एम से लेके वन पी तक होता है जीरो आवर शून्य काल जहाँ पे एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड किया जाता है मतलब मतलब ये है कि इसके बाद इन लोगों का लंच ब्रेक हो जाता है तो लंच के बाद ये लोग क्या करेंगे वो डिसाइड होता है करते तो वैसे कुछ भी नहीं है लेकिन ये डिसाइड होता है जीरो आवर में कि क्या हम लोग करेंगे लंच के बाद तो फिर उसके बाद लंच में जाते हैं एकदम खूब कैंटीन में <laughs> ठीक है तो दो घंटे में इनका लंच हो जाता है उसके बाद फिर मिलते हैं ये लोग तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन हो पहला घंटा पूछे ना हाँ और ये कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में कहीं लिखे नहीं हुए हैं क्वेश्चन आवर जीरो और कहीं भी नहीं लिखे हुए हैं ठीक है तो जीरो आर भी आप समझ गए जहाँ पे क्वेश्चन आर के बाद का तुरंत वाला समय और यहाँ पे एजेंडा ऑफ द डे डिसाइड होते हैं द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज दिस विच प्रोसेस और ये ध्यान रखना एक चीज़ कि जो हमारे क्वेश्चन होते हैं ये तीन तरह के होते हैं क्वेश्चन होते हैं तीन तरह के एक स्टार्ड होता है जिसमें कि स्टार लगाया जाता है मतलब ये पेपर में होते हैं पेपर में और मतलब ये तो खैर औरली पूछा जाता है ठीक है लेकिन पब्लिश तो फिर भी होता है स्टार लगा के और इसका ओरली ही आंसर देना होता है नहीं कि इसमें जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन हैं वो फॉलो हो सकते हैं ठीक है थीके? फिर अगर हम बात करें तो अन क्वेश्चन होते हैं जिसमें स्टार नहीं लगा होता है वो सवाल होते हैं जो पब्लिश होते हैं तो स्टार नहीं लगता है और तीसरे होते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन इसमें क्या होता है कि आपको दस दिन का शॉर्ट नोटिस दे के क्वेश्चन पूछना पड़ता है ये होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इज शन इज द रिवर्स ऑफ डिपोजिशन चरण संक्रमण की कौन सी प्रक्रिया निक्षेपण के विपरीत है सब्लिमेशन फ्यूजन सॉलिडिफिकेशन या फिर तो होता, क्या है? होता क्या है तो निक्षेपण होता है जहां पर गैस जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है इसको बोलते हैं डिपोजिशन तो सॉलिड से गैस वाला बस हमें पहचानना है तो सॉलिड से गैस वाला क्या होता है पतन यानी कि सबलिमेशन ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये देख सकते हैं आप ये जो आपके फेस ट्रांजेक्शन होते हैं हमें पता नहीं, नहीं, की अगर सॉलिड लिक्विड में वो होता है तो उसको बोलते हैं मिल्ट पिघल गया लिक्विड अगर सॉलिड में जम जा, वो होता है तो बोलते जम गया सिंपली तो याद करने की जरूरत नहीं है लिक्विड अगर वेपर यानी गैस में कन्वर्ट हो गया उसको वेपराइजेशन बोलते हैं वाष्पीकरण अगर गैस लिक्विड में जैसे कि जो हमारा फॉग है कोहरा सर्दी हो है ना तो कोहरा पड़ रहा है ड्यू यानी कि जो ओस पड़ती है वो सब फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन है वहाँ पे जो वेपर्स हैं जो प्रेजेंट हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं जैसे ड्यू क्या होता है ओस आप विंडशील कार की विंडशील में देखते हो पत्तियों में देखते हो ओस की बूंदें होती हैं तो जब उनको सरफेस मिल जाता है वेपर्स को तो वो ऐसे कंडेंस होकर लिक्विड बन जाती हैं अब गैस से सॉलिड सॉलिड से गैस भाई गैस से सॉलिड होता है डिपोजिशन और सॉलिड से गैस होता है सबलीमेशन सिंपल प्लाज्मा ये हमारा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है ठीक है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा ये प्लाज्मा तब बनता है जब हम किसी गैस को बहुत ही हीट कर देते हैं आयोनाइज कर देते हैं यानी कि गैस को आयोनाइज कर देते हैं दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा ठीक है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर होता है बोस बोसाइंस्टाइन कंडेंसेट लेकिन अभी आपको वो नहीं पढ़ाऊंगा ठीक है वो हम किसी और उसमें देख लेंगे कि बोस बोसाइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है अभी के लिए सिर्फ आपको ये फेस ट्रांजेक्शन्स याद रखने हैं और क्योंकि इवेपोरेशन भी हम बोल सकते हैं जो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इवेपोरेशन की थोड़ी सी हम चीज़ें देख लेते हैं कि भाई इवेपोरेशन जो होता है वाष्पीकरण ये कब कब फेवरेबल होता है तो इवापोरेशन किस पर डिपेंड करता है एक तो आ, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा तापमान पे डिपेंड करेगा दूसरा पृष्ठी क्षेत्रफल सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा तीसरा विंड की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि विंड कितने स्पीड से जोर से चल रही है इस पे डिपेंड करेगा और किस पे डिपेंड करेगा और ये ह्यूमिडिटी यानी कि आद्रता पे निर्भर करता है ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता से आद्रता पे तो टेम्परेचर की अगर बात करें अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये ऑपरेशन भी बढ़ता है पृष्ठी क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो यापरेशन वाष्पीकरण बढ़ता है और ये आप रिलेट भी कर सकते हैं जैसे मान लो कि आपने एक मघे में पानी रखा ऊपर और एक वही आप पूरा थाली में उसी उतना ही पानी को डाल के रख दो ठीक है बड़े से था, थाली में या फिर पूरी छत में डाल दो तो तुरंत तो वाष्पीकरण हो जाएगा ना सरफेस एरिया बढ़ा दिया विंड स्पीड हवा बहुत जोर जोर से चलती है तो आपके कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो विंड स्पीड ज्यादा होगी तो इवापोरेशन भी जल्दी होगा ह्यूमिडिटी जब एटमोसफेयर में होती आर्द्रता ज्यादा होती तो इवापोरेशन कम हो जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी का मतलब है कि मॉइस्चर पहले से ही एटमोसफेयर में प्रेजेंट है तो भाई एटमॉस्फेयर जो है मॉइस्चर ज़्यादा लेने की कैपेबिलिटी क्षमता रखता नहीं है तो इसलिए ह्यूमिडिटी बढ़ेगी वो कम हो जाएगा कमेंट में बताना ह्यूमिडिटी हम मेजर किससे करते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो एच एच सही उसका नाम स्टार्ट होता है जब बताइए क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक है आपको बताना है बाकी हम लोग फिफ्थ स्ट अभी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर देखना है सॉलिड लिक्विड गैस एंड प्लाज्मा नहीं तो अभी हमने ये मेन क्वेश्चन स्टेट ऑफ मैटर का था ही नहीं बिकॉज स्टेट ऑफ मैटर हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और बाकी सारी चीज़ें ठीक है तो इसका आंसर सब्लिमेशन हो जाएगा और आज का जो सेशन होता है वो हमारा खत्म होता है यहाँ पर बाकी कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा जो आंसर क्वेश्चन में पूछता हैं उनके भी आंसर्स एंड जिन लोगों को हैंड हैडिटेड नोट्स चाहिए इसके वेल उसमें तो पी कोर्स में सेक्शन में जाके पीडीएफ कोर्स पार्ट थ्री जो कि आपको परमार अकेडमी ऐप और डब्ल्यू वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन बेसिस पे नोट्स को ले सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में वेल well स्ट्रक्चर्ड अगर आपको देखने हैं तो आप टेलीग्राम परमार एस एस सी पे ज्वाइन हो सकते हैं परमारी टेलीग्राम पर आपको देखने को मिल जाएंगे कि नोट्स कैसे मिलेंगे और परमारी टेलीग्राम पर इस पर्टिकुलर लेक्चर की पी पी टी की जो हम लोगों ने यहाँ पर चीज़ें करी हैं ये पूरा आपको पी डी एफ इसी परमार एस सी टेलीग्राम पर मिल जाएगा धन्यवाद